हेलो फ्रेंड, मैं इमरान छत्तीसगढ़ से। यह है रिनॉल्ट ट्रिबर। इसमें प्रॉब्लम है कि गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है थोड़ा। जैसे हम ब्रेक दबा के क्रैंकिंग कर रहे हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है। तो मैंने सारा कुछ चेक किया, इसका मैंने इसका ब्रेक स्विच वगैरह चेक कर लिया, सब चीज़ चेक कर लिया है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ मिला मैं बता रहा हूँ, ये किसी दूसरे मैकेनिक के पास से गाड़ी आई है मेरे पास। तो ये प्रॉब्लम मैकेनिक ने ही क्रिएट कर किया है। अब उसके पास कोई हेडलाइट वगैरह के नाम से गया था गाड़ी, उसके बाद से प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से है, और मैं भी बहुत समय तक परेशान रहा इसमें। तो प्रॉब्लम क्या था इसमें, इसमें क्या फ्यूज बॉक्स में कोई डायग्राम नहीं बना है इसका, ठीक है। तो एक भाई जो है वो फ्यूज चेक करते करते एक फ्यूज लगाना भूल गए यहाँ पास का, ठीक है। 30 एम्पियर का फ्यूज आएगा यहाँ। तो अभी फिलहाल मैं इसमें फ्यूज डालता हूँ। ये कभी भी याद रखना, ये स्टार्टर रिले है इसका, ये जो है स्टार्टर रिले है, ठीक है। तो इसके 30 नंबर पे सप्लाई नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैं आगे सप्लाई, ये जो 30 नंबर जो ये है ना, इसका 30 नंबर ये इसका फ्यूज है। ये फ्यूज लगा नहीं रहेगा या फ्यूज उड़ा रहेगा तो इसमें सप्लाई नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करके। तो फ्रेंड देखिए, हमारी गाड़ी मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आप, ठीक है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक बार फिर दिखाता हूँ मैं बंद किया, इग्निशन ऑन किया, ठीक है। तो एक छोटा सा फ्यूज जो है परेशान किया था बहुत, मतलब एक मैकेनिक भी इसमें परेशान हुआ बहुत समय तक, और उसी ने फॉल्ट क्लियर किया था। तो ये बताने का मतलब यही है कि ये फ्यूज बॉक्स में जो है ना डायग्राम नहीं बना, तो बहुत से भाई जो परेशान हो जाते हैं। तो छोटा सा प्रॉब्लम था तो मैं सोचा आपको बता दूँ। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है।